अभी एक बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज, हिजबुल तहरीर को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन घोषित किया, लोकतंत्र और सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है, यह कहा गया है एमएचए की तरफ से। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है हिजब उत तहरीर। आपको बता दें 1953 में यरूशलम में बना था हिजब उत तहरीर और कई अरब देशों में भी इसे बैन किया गया है। बात दिल्ली की करते हैं, जहां सीएम बंगले को लेकर इस वक्त विवाद बढ़ता जा रहा है, फुल पॉलिटिक्स इस पर हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि एलजी ने सीएम का अपमान किया है। दूसरी तरफ बीजेपी कथित शीश महल के ऑडिट कराने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की ये तस्वीर वायरल इसलिए है क्योंकि इस पे वो सरकारी फाइल सोफे पर बैठकर निपटा रही हैं, लेकिन सामने वो कार्टन रखे हुए हैं जिनमें उनका सामान है। इन पैक किए गए सामान के साथ आतिशी काम कर रही हैं। असल में हुआ ये कि दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग ने सीएम निवास को कल सील कर दिया। दो दिन पहले ही आतिशी इस बंगले में शिफ्ट हुई। अगर भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करके मन की शांति मिलती है तो उनका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री आवास बड़े बंगलों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करने आए हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम सड़क पर बैठकर भी दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारे बंगले भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हों, हम दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है एलजी सीएम निवास पर कब्जा करना चाहते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग खुद मुख्यमंत्री आतिशी जी के पास है। अब सवाल ये आता है कि भाई इनका ही विभाग है, विभाग तो इनका है, मगर कठपुतलियों की तरह तो नचा तो इनको एलजी साहब रहे हैं। कि बस इतना समय कहां से आता है कि ये इन चीजों के अंदर अपना पूरा समय, अपनी पूरी एनर्जी व्यर्थ करते हैं। इसकी चाबी ऐसे कैसे चली गई, चाबी वापस लो, सील कराओ, ये तो बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। आम आदमी पार्टी इस फैसले को चुनी हुई सरकार का अपमान बता रही है। वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल दफ्तर के सूत्रों का यह दावा है कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाला बंगला आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री आवास नहीं है और ये अब तक मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित भी नहीं किया गया है। उपराज्यपाल दफ्तर के सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि बिना आवंटन के ही आतिशी ने अपना सामान इस बंगले में रखा और बाद में खुद ही बाहर निकाल दिया। उपराज्यपाल दफ्तर के मुताबिक बंगले का मालिकाना हक पीडब्ल्यूडी के पास है और खाली होने के बाद वो बंगले पर कब्जा कर लेते हैं। बंगले का आवंटन वहां रखे सामान की सूची तैयार करने के बाद किया जाता है। अब बीजेपी मांग कर रही है बंगले का ऑडिट होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी ने उस बंगले को अपने अधिकार में ले लिया है तो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट होना बहुत जरूरी है ताकि ये पता लगे कि किस किस चीज पर कितने कितने पैसे खर्चे गए। सवाल इस बात का है कि जब आतिशी के पास पहले से मथुरा रोड का एक बंगला अलॉट है तो बिना उसे सरेंडर किए नया बंगला कैसे मिल सकता है। जिस सीएम हाउस को लेकर विवाद हो रहा है उस बंगले के निर्माण को लेकर पहले सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में हो सकता है बीजेपी जो मांग कर रही है कहीं एलजी जांच का आदेश ना दे दे। अब आपको दिखाते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की हार पर कैसे हाहाकार की स्थिति है। आज एक समीक्षा बैठक हुई लेकिन उसमें हरियाणा के नेताओं को नहीं बुलाया गया। अब एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई जा रही है ताकि ये पता कर सके कि आखिर हार की वजह क्या रही। न तो हुड्डा मौजूद रहे, नहीं सैलजा और नहीं रणदीप सुरजेवाला। हरियाणा चुनाव में मिली हार को लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक की। इसमें पार्टी के पर्यवेक्षक और बड़े नेता शामिल हुए लेकिन हरियाणा में जिनके भरोसे कांग्रेस लड़ रही थी उन्हें इस पहली मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। बहुत सारे कारण हैं और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे। आपसी मतभेद मतलब गुटबाजी को भी कांग्रेस हार की वजह मानकर चल रही है। इस बैठक के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत हरियाणा कांग्रेस के
अन्य बड़े नेताओं से अलग से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में हार का पता लगाने के लिए कांग्रेस एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पार्टी आगे कार्रवाई करेगी। हरियाणा चुनाव में हुड्डा कैंप और सैलजा गुट की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। 26 सितंबर को राहुल गांधी की मौजूदगी में दोनों नेता एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं रहे थे। बात करना तो दूर की बात है, और माना भी यही जा रहा है कि कांग्रेस में अगर लोकसभा चुनाव की तरह एकजुटता दिखती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। गुटबाज जी, जातिगत समीकरण, ये सब सुपरफ्लूस बातें हैं, आप हम सब करते हैं, हम भी करते हैं, पर अल्टीमेटली जो आज बैठक हुई है, खड़गे साहब राहुल जी ने ली है, उसमें तमाम तरह की बातें सामने आई है, जिससे कि तय तक जा सके वास्तव में कारण क्या थे। इस बीच कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने चेता दिया है कि अगर हरियाणा से सबक नहीं लिया गया तो पार्टी को महाराष्ट्र और झारखंड में भी दिक्कत होगी। अभी जो हरियाणा में हुआ, इससे भी हमको सीख लेने की आवश्यकता है, इसमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि कहां हमसे कमी हो गई, इस पर बातचीत होनी चाहिए विस्तार से, ताकि आगे जो महाराष्ट्र का चुनाव है और झारखंड का चुनाव है, उसको किसी तरह की उसमें कोई कमी न रह जाए। कांग्रेस ने गुटबाजी की बात मानी तो बीजेपी को राहुल पर हमले का मौका मिल गया। जब तक राहुल गांधी को नहीं छोड़ेंगे तब तक उनको ईवीएम का रोना तो नहीं पड़ेगा। अरे, हार के असली जिम्मेदार जो हैं और असली किरदार जो हैं वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जहां चले जाते चुनाव हार जाते हैं। चेक कर लीजिए आप, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की जिन जिन सीटों पर गए, जहां जहां पाव पड़े राहुल के, तहता बंटाढार, तो राहुल बंटाढार है, इसको स्वीकार लें। वो हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी की रणनीति ने कांग्रेस को आपसी चक्रव्यूह में फंसा दिया। नतीजा ये हुआ कि हार की हैट्रिक लग गई। देखिए, बिहार में भी बंगले का विवाद जारी है। आज आरजेडी दफ्तर के बाहर टोटी चोर वाले पोस्टर्स लगा दिए। पटना में लगे इस पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव और लालू यादव पर निशाना साधा गया। पोस्टर किसने लगाया ये तो नहीं पता, लेकिन पोस्टर पर लिखे शब्द इतना बताने के लिए काफी हैं कि ये सत्ता पक्ष के किसी समर्थक का काम है। कार्टून वाले इस पोस्टर पर लालू यादव का चारा चोर और तेजस्वी यादव का टोटी चोर लिखा गया है नाम। ये पोस्टर आरजेडी दफ्तर के पास लगाए गए, वो भी तब जब कल ही तेजस्वी यादव ने लीगल नोटिस भेजे जाने की बात कही। मेरे पास एक एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, कल चोरी कर लिया, टोटी चोरी कर लिया, फल्ला चोरी कर लिया, इस तरह का जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हमने सबको देखा है, सबको, जो लोग बोले हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया है और जिन लोगों ने गलत दिखाया है, सबका हमने अपने लोगों को बोल दिया प्रोफाइल बनाओ, हमने अपने वकीलों से बात की है, जल्दी ही उनको लीगल नोटिस जाने वाला है। असल में रविवार को जब तेजस्वी ने 5 देशरत्न मार्ग वाला बंगला खाली किया तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने टोटी ले जाने के आरोप लगा दिए। अब उसी टोटी को पोस्टर पर उतारकर तेजस्वी को घेरा गया। वैसे कथित टोटी चोरी का ये सियासी विवाद नया नहीं, 2017 में जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश का सीएम निवास खाली किया तो उन पर टोटी चोरी के आरोप लगाए गए। आज दिल्ली में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसका जिक्र भी किया। दिखाओ कि जो सोफे, जो आपको सामान दिया गया था, वो पूरा उसकी लिस्ट बनती है, क्योंकि इस भारतीय राजनीति में हमने देखा है कि ऐसे भी पूर्व मुख्यमंत्री ये टोटी और ऐसी निकाल के ले गए, तो इनका तो भरोसा नहीं है। अब तेजस्वी यादव वाले बंगले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को रहना है, लेकिन जिस तरह से टोटी का ये विवाद शुरू हुआ लगता है अभी लंबा खींचेगा। और उत्तर प्रदेश से अभी एक बड़ी खबर आ रही है, कल 11 तारीख को छुट्टी का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। कई संगठनों की मांग और नवमी को देखते हुए सीएम योगी का यह ऐलान। उत्तर प्रदेश में कल यानी 11 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी, सरकार ने इसका ऐलान किया है, कई संगठनों ने इसकी मांग की थी। उद्योगपति रतन टाटा को आज पूरा देश याद कर रहा है, नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। एबीपी न्यूज भी उन्हें याद कर रहा है और इसी से जुड़ी, उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानी आपको दिखाते हैं। ये
राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा को विदाई दी गई। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस विदाई के साक्षी बने। इससे पहले स्वर्गीय रतन टाटा को देश के दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी, नमन किया, श्रद्धा के फूल चढ़ाए। रतन टाटा को जानवरों से खासा लगाव था। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो गोवा नाम के कुत्ते की है। रतन टाटा इसे गोवा से लेकर आए थे, इसीलिए इसका नाम गोवा रख दिया। 11 साल से गोवा रतन टाटा के साथ रह रहा था। आज विदाई की बारी आई तो गोवा भी श्रद्धांजलि देने पहुंचा था। बताया जाता है कि रतन टाटा जब गोवा की गलियों में घूम रहे थे तो ये कुत्ता उनके पीछे पीछे आ गया। फिर क्या था, पशु प्रेमी रतन टाटा इसे गोवा से मुंबई ले आए। रतन टाटा को कुत्तों से जो प्रेम था उसके बारे में और बता रहे हैं मुंबई के रहने वाले अभिषेक दल। इलाहाबाद में एक यूनाइटेड सर्विसेज क्लब करके है, आरसी चर्च के यहाँ पे, वहाँ पे टाटा साहब हर सैटरडे संडे आते थे और उनके जो दो डॉग्स थे टीटो एंड टैंगो उनको वो उनके गाड़ी में लेके आते थे और वहाँ पे बहुत सारा समय उनके साथ गुजारते थे। तो मैं भी आगे बढ़ा और मुझे भी ऐसा लगा कि मैं ये इनको इनके साथ ज़रा थोड़ा तैयार करूँ, थोड़ा हाथ ऐसा घुमाऊँ और खेलूँ। और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा और वो साहब ने देख लिया और वहाँ पे जो कनेक्ट जुड़ा इतना लगाव हो गया था कि टीटो टैंगो जहाँ पे टाटा साहब उनको फैमिली मेम्बर समझते थे तो मुझे भी वो मित्र के रूप में मैंने उनको अपनाया था। कुत्तों से प्रेम का एक किस्सा ये भी है कि एक बार ब्रिटेन के चार्ल्स से रतन टाटा को मिलने जाना था। कार्यक्रम रतन टाटा को सम्मानित करने का था लेकिन उनके कुत्ते बीमार हो गए तो उन्होंने ब्रिटेन का दौरा रद्द कर दिया था। रतन टाटा ने शादी नहीं की लेकिन बताया जाता है कि 4 बार उन्हें प्यार हुआ। शादी के करीब पहुंचे लेकिन शादी नहीं हो पाई। बताया जाता है कि समय की कमी ने उन्हें दूल्हा नहीं बनने दिया। रतन टाटा वैसे तो हर क्षेत्र में कामयाब रहे लेकिन परिवार बसाने के साथ साथ पिक्चर बनाने के क्षेत्र में उन्हें सफलता नहीं मिली। साल 2004 में अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु के साथ मिलकर थ्रिलर फिल्म एतबार के को प्रोड्यूसर बने थे। ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्म फियर से प्रेरित होकर बनाई गई थी। कहानी एक प्रोटेक्टिव पिता के आसपास घूमती है लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिट गई। 9.5 करोड़ की लागत थी लेकिन कमाई 8 करोड़ से कम हुई, जिसके बाद रतन टाटा ने फिल्मों में हाथ कभी नहीं आजमाया। रतन टाटा के व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। दरअसल जानवरों से भी बेपनाह मोहब्बत वो करते थे। जानवरों के साथ रहना, उनके साथ खेलना बहुत पसंद था उन्हें। मुंबई में जानवरों का एक छोटा अस्पताल भी उन्होंने बनवाया था जो कि इसी साल शुरू हुआ था। से बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं जहां पर लोगों का जो है इलाज होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, हाई टेक्नोलॉजी होती है, उसी तरह से इस एनिमल हॉस्पिटल को भी लैस किया जा रहा है। आज जब वो नहीं है तो उनकी तमाम ऐसी यादें, तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम अपने कैमरे में समेटना चाह रहे हैं और लोगों को बताना चाह रहे हैं कि रतन टाटा की जो है जो पर्सनालिटी थी, जो उनका रुतबा था, समाज के लिए वो क्या करना चाहते थे, जानवरों से उन्हें कितना प्रेम था, वो सारी चीजें आज हम कैमरे में दिखा रहे हैं और लोग यहाँ पर देखें कि अपने अपने जो पेट्स हैं वो यहाँ पर लेकर आते हैं और उनका इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तमाम यहाँ पर डॉक्टर हैं, डिपार्टमेंट है। 4 मंजिला ये इमारत बनाई गई है मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में और यहाँ पर जो है रतन टाटा की किस तरह से उनका जानवरों के प्रति प्रेम था वो यहाँ पर देखने को मिलता है।
जहां पर कि एक शानदार ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हो रहा है जानवरों के लिए। यहां पर अगर डॉक्टर्स की बात करें तो तमाम ऐसे डॉक्टर्स, वेटनरी डॉक्टर्स रखे गए हैं जो जानकार हैं जानवरों के, और उनके इलाज के लिए वो रात दिन 24 घंटे यहां पर तत्पर रहते हैं। 24 घंटे ये अस्पताल रेडी रहता है उन छोटे जानवरों के इलाज के लिए। तो रतन टाटा की जो तमाम चीज़ें हैं जो उन्होंने पूरी दुनिया देश में खड़ा किया है, उसमें से मुंबई का ये एकमात्र अभी ये बड़ा अस्पताल, एनिमल हॉस्पिटल बनाया गया है जहां पर छोटे जानवरों का इलाज होगा। और ये दिखाता है कि रतन टाटा जिस तरह से समाज में इंसानियत के लिए जो है जाने जाते थे, उसी तरह से उन्हें जानवरों से भी प्रेम था, और उसकी मिसाल बना है ये मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में मौजूद स्मॉल एनिमल्स हॉस्पिटल। राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। अब रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है और महाराष्ट्र में कैबिनेट की मीटिंग में बाकायदा इसका प्रस्ताव पारित किया गया। ये तस्वीरें महाराष्ट्र की कैबिनेट मीटिंग की हैं, जहां स्वर्गीय रतन टाटा को सरकार ने श्रद्धांजलि दी और कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया कि रतन टाटा को भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित करे। Obviously, it's a great accomplishment और स्वीकारता तो उनके परिवार ज़रूर करेंगे, लेकिन एक भावुक नागरिक के नाते मैं ज़रूर कहूँगी कि शायद उनके लिए एक ऐसा रत्न बनाना चाहिए जो पहली बार भारत के इतिहास में जा रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी केंद्र को पत्र लिखकर रतन टाटा के लिए भारत रत्न की मांग की। ये हम मांग करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से कि आप राष्ट्रपति महोदय जी के पास एक प्रस्ताव दीजिए, एक सिफारिश कीजिए कि आदरणीय रतन टाटा जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। रतन टाटा भले ही दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन वो हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। एबीपी न्यूज भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देता है। बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ चौथा खूंखार तेंदुआ कई मवेशियों को बना चुका था शिकार, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। एमपी के मंदसौर के मेले में एक व्यक्ति को आया हार्ट अटैक, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दिया सीपीआर, अपने वाहन से किया हॉस्पिटल रेफर, पुलिसकर्मियों की हो रही जमकर तारीफ। यूपी की अमेठी से सामने आई रील बनाने की सनक, वीडियो बनाने के लिए हाईवे पर लगे साइन बोर्ड पर चढ़ा युवक, कई फीट ऊंचाई पर जाकर लहराया झंडा। यूपी में मंत्री के घर चोरी, रघुराज सिंह के अलीगढ़ वाले घर से करीब 50 लाख की ज्वेलरी चोरी, 3 नौकर के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के बहराइच से सामने आया अमानवीय बर्ताव, अनाज चोरी के शक में बच्चों का सिर मुंडवाया, चेहरे पर कालिख पोतकर की पिटाई, तीनों पीड़ित नाबालिग, मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। दुकान विवाद में जौनपुर से अगवा युवक का शव मिलने के बाद बवाल, ग्रामीणों ने की पत्थरबाजी, पुलिस पर लाठीचार्ज, तनाव के बाद कई थानों की पुलिस तैनात। टेनिस सुपरस्टार राफेल नडाल ने किया संन्यास का ऐलान, करियर में जीते 22 ग्रैंड स्लैम खिताब। हरियाणा में 15 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव, बीजेपी 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार बनाएगी सरकार। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का रहेगा गठबंधन, अखिलेश यादव ने कहा दोनों मिलकर लड़ेंगे चुनाव, कल ही समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 उम्मीदवारों का किया था ऐलान। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस पर्यवेक्षकों के साथ राहुल खड़गे की हुई बैठक, सूत्रों का दावा पार्टी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर उम्मीदवारों से करेगी बात, रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई, माकन बोले हार के कई कारण। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की हुई बैठक, उमर अब्दुल्ला चुने गए विधायक दल के नेता। महाराष्ट्र कैबिनेट ने रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग की, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव भी पास, केंद्र से सर्वोच्च सम्मान देने का अनुरोध। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में की पूजा अर्चना, महाअष्टमी के दिन अलग अलग दुर्गा मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचे नीतीश, शीतला माता पटन देवी माँ का भी लिया आशीर्वाद। आंध्र प्रदेश में YSRCP का TDP सरकार पर बड़ा आरोप, बाढ़ राहत फंड में 534 करोड़ रुपए के घोटाले का लगाया आरोप। ABP News आपको रखे आगे।